आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ त्रिशला यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के नामांकन के आखिर दिन कलेक्ट्रेट परिसर में गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला, जहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव और भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव ने रहुआ नामांकन पर्चा दाखिल किया। दोनों ने आजमगढ़ सीट से नामांकन दाखिल किया। दूसरी ओर रामपुर लोकसभा चुनाव उपचुनाव में सपा की ओर से आसिम राजा उम्मीदवार होंगे। आजम खान ने सपा कार्यालय दारू लवाम पर कार्यकर्ताओं के बीच प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया। बता दें कि इसके पहले चर्चा थी कि सपा रामपुर से आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। संवाददाता तुषार रामपुर से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। तुषार, किस तरह से ये पूरा नामांकन प्रक्रिया क्या पूरी हो चुकी है और क्या कुछ खबरें निकलकर उपचुनाव से सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से रामपुर में उपचुनाव होना है और लगातार जो यहाँ पर सपा और भाजपा की जो पार्टी है वो लगातार यहाँ पर अपने पूरे प्रयासों में लगी हुई है, और आज जो है कि समाजवादी पार्टी से नगर अध्यक्ष जो है आसिम रजा, उन्होंने आज मतलब यह नामांकन किया है और भाजपा से किया है घनश्याम सिंह लोधी जी ने। अब इसमें देखने वाली बात दिलचस्प यही होगी कि रामपुर की जो जनता है वो किसको प्यार देती है, क्या देती है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अभी तक जो चीज सामने आ रही थी वो ये आ रही थी कि आजम खान तंजीन फातिमा को भी मतलब खड़ा कर सकते हैं या और एक सस्पेंस क्रिएट हो मतलब बहुत था यहाँ पर, लेकिन आज वो सब चीजें यहाँ पर मतलब क्लियर चुकी हैं। आज भाजपा से घनश्याम लोधी ने आज यहाँ नामांकन भरा है और उनको हौसला देने के लिए आज यहाँ मुख्तार अब्बास नकवी केंद्रीय मंत्री यहाँ पहुंचे थे, उनके साथ उनके जो और भी जो मंत्री परिषद के जो लोग थे वो लोग भी आज यहाँ पहुंचे थे, बलदेव सिंह औलख थे और भी यहाँ सब लोग पहुंचे हैं। और उन्होंने प्रेस वार्ता करने के बाद ये भी बताया है कि यहाँ प्रचंड बहुमत से भाजपा की जीत होगी, ऐसा कहना है। जी, तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही कि जो डॉक्टर तंजीन फातिमा है वो भी मैदान में उतर सकती हैं आजम खान की पत्नी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो क्या आजम खान की कितनी सहमति देखने को मिली यहाँ से सपा प्रत्याशी को? देखिए, आजम खान की सहमति तो रहती है, लेकिन उसके साथ में एक ही सस्पेंस क्रिएट था। अभी तक जो लोगों को पता था, जो भाजपा कार्यकर्ता है या जो रामपुर के जो लोग हैं जो और जो सपा के जो मतलब कार्यकर्ता है, उन लोगों के दिल में कहीं ना कहीं एक ये आभास था कि सपा से जो है वो आजम खान अपनी बीवी को ही खड़ा करेंगे, लेकिन जब अचानक से आजम खान ने इस तरीके से जो है कि रुख घुमा दिया कि उन्होंने जो है कि अपने यहाँ के जो नगर अध्यक्ष हैं आसिम रजा को उन्होंने मतलब यहाँ उम्मीदवार मतलब घोषित करा है, और अगर देखा जाए तो आजम खान के बहुत करीबी मानते हैं ये आसिम रजा। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। कानपुर में हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद हर दिन गिरफ्तारियां की जा रही हैं। आज 9 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। कानपुर हिंसा में अब तक 38 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दें कि कानपुर बवाल के मास्टरमाइंड और मौलाना मोहम्मद अली एमएमए जौहर फैंस एसोसिएशन के प्रमुख जफर हयात हाशमी के मोबाइल से अब राज खुलने लगे हैं, जहां उसके मोबाइल में कुल 141 व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं। तकरीबन सभी ग्रुपों में बाजार बंदी और बवाल की बातचीत मिली है। दरअसल 3 जून को उपद्रवियों द्वारा पथराव करने के साथ साथ पेट्रोल बम फेंक कर इलाके में दहशत फैलाने का काम किया गया था। कई संदिग्धों द्वारा बोतल में पेट्रोल ले जाने का वीडियो कैद हुआ। बोतल में पेट्रोल बेचने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद पेट्रोल दिया, इसी पर लापरवाही बरतने पर पेट्रोल पंप का सीज करने के साथ ही लाइसेंस निरस्तीकरण की तैयारी की जा रही है। कानपुर में हुए दंगे के बाद लगातार पुलिस एक्शन में है, ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही हैं। इस बीच जो मास्टरमाइंड है, मास्टरमाइंड का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसे भी खंगाला गया है। हयात के जो व्हाट्सएप ग्रुप में है तमाम तरह के ऐसे मैसेजेस और ऐसी खबरें भी मिली हैं जहां से हिंसा को भड़काया जा रहा था। बाजार बंदी और बवाल की बातचीत भी मिली है तकरीबन सभी ग्रुपों में। संवाददाता उपेंद्र अस्ताना इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट है, कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं? गिरफ्तारी तो केवल
29 सी पर लगातार दबिश बिल्कुल जारी है। और आपको बताते चले, जो अभी सोशल मीडिया पर जो अभी कानपुर पुलिस कमिश्नर द्वारा जो 40 अपराधी जो आरोपी है उनकी फोटो वायरल करी गई है, और उसके बाद जो जिस पेट्रोल पंप से इन्होंने पेट्रोल पंप यूज किया था वो पेट्रोल पंप जो है उसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया, उसका लाइसेंस जो है वो पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया। अगर बात किया जाए उपेंद्र, जो मास्टरमाइंड है हयात, उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप है, कई ग्रुप्स में हिंसा जो दिन हुई थी उस दिन को लेकर, बाजार बंदी को लेकर कई तरह के मैसेजेस और बातचीत मिले हैं, अब इस पे किस तरह का एक्शन लिया जाएगा और परिवार जनों का क्या कुछ कहना है हयात के? जी आपको परिवार है वो पूरी तरह से पुलिस की नजरबंदी में है और वो मीडिया से बात करने को बिल्कुल नहीं तैयार है। जब से उनको मालूम चला कि PFI से उनके संबंध या कांटेक्ट नजर आ रहे हैं तब से परिवार जो है बिल्कुल तैयार नहीं है बात करने के लिए, किसी तरीके से मीडिया से भी नहीं और क्षेत्रीय लोगों से बात करने को बिल्कुल नहीं तैयार है। गिरफ्तारी की कोशिशें किस किस तरह से जारी है, पुलिस किस तरह से और कार्रवाई कर रही है जो और संदिग्ध है इसमें उन पर? जी आपको बता चले जो अजय पाल शर्मा है SP लखनऊ जो है जो यहाँ पे जो है लगातार दबिश जारी कर रहे हैं। अभी सूत्रों से खबर मिली है कि जो जफर के जो करीबी थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, पर किसी तरीके से अभी आधिकारिक घोषणा जो है, अभी आधिकारिक बाइट जो है वो अभी मीडिया पर नहीं आई है। जो पोस्टर जारी किया गया था उपेंद्र, पहले से हिंसा के दिन के पहले के पोस्टर जो जारी किया था उसको लेकर क्या कुछ बातें सामने अभी तक निकल करके आई है कि पोस्टर किसके द्वारा जारी किया गया था, किस दिन पोस्टर को लगाया गया था? क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश था कि जो प्रिंटिंग प्रेस है जिसने इसको छापा भी है उसमें भी सख्त कार्रवाई किया जाए, तो उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी आपको बता चला जो पोस्टर जारी किए गए थे कि 3 तारीख को जेल भरो आंदोलन जो जफर आजमी ने जो जारी किया था, उसके बाद जो पुलिस 3 तारीख को बिल्कुल सक्रिय रही है, 5 तारीख को, 5 तारीख को उसको कोर्ट में पेश किया गया जफर आजमी को, और उसके बाद जो आप बताते चले कि जो जफर का जो सोशल मीडिया व्हाट्सएप अकाउंट जो है उसको 141 ग्रुप जो बने थे, मतलब 141 ग्रुप का मतलब हो गया 2000 कॉन्टेक्ट नंबर, जिसमें जफर ने जो है बिल्कुल केवल एक ही बात की है, जिसमें केवल जो ये दंगा करने के लिए पेट्रोल कहाँ से मैनेज करना है, पथराव पत्थर कहाँ से लाने हैं, किस गली से लाने हैं, कहाँ से प्लान करना है, और पूरा जो फुटेज है और जो इसमें जो नाबालिग बच्चे जो उसमें भगाए हैं उसके जो परिजन है, परिजनों का साफ कहना है कि मेरे बच्चों को जो है पुलिस जबरदस्ती जो आरोपी बना के जेल भेज दिया। पर आपको पता चले कि वो CCTV फुटेज में जो है वो जो नाबालिग बच्चे हैं उसका फुटेज पथराव में आ रहे हैं लगातार। जी बिल्कुल, तो नाबालिगों पे किस तरह की कार्रवाई उपेंद्र की जाएगी, क्या सबको एक तरह से सब पर कार्रवाई होगी कि नाबालिगों की बात पहले सुनी जाएगी? जी अभी आपको बता चला सूबे के मुख्यमंत्री ने जो SP अजय पाल सिंह को जो कानपुर भेजा है लखनऊ मॉनिटरिंग करने के लिए, अभी तक तो वो सारे आरोपी को एक ही नजर में और एक ही तरीके से देख रहे हैं, और जो नाबालिग वाली बात है अभी पूरा आरोप अभी जो पूछताछ जो जारी हुई है जफर से और जो लोग गिरफ्तार नहीं हुए हैं उसके बाद हो सकता है कि जो नाबालिग बच्चे उनको बाल सुधार गृह में भेजा जाएगा। जी तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद उपेंद्र। उत्तर प्रदेश से मुरादाबाद के समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर ST हसन ने नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे जहरीले नाग और नागिन किसी भी पार्टी में हो तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें पार्टी से तुरंत निष्कासित करे चाहे वह मेरी पार्टी में ही क्यों ना हो। हमें सबको इस देश में प्यार मोहब्बत से मिलकर गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ाते हुए देश को बुलंदियों पर ले जाना है। एक तरफ जहां नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के दिए हुए TV डिबेट के दौरान दिए हुए बयान की लगातार विरोध हो रही थी और कहीं ना कहीं कानपुर में जो हिंसा हुआ था, लोग कह रहे थे कि जिन्होंने बयानबाजी की थी एक समुदाय के खिलाफ है उसको लेकर भी यह हिंसा भड़का था। इसी बीच एक बड़ा बयान सामने आया है समाजवादी पार्टी के नेता का, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का आभार जताया है उन्हें पार्टी से निष्कासित करने के लिए और नागिन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने और कहा कि जो सभी पार्टी में ऐसे नागिन हो उन्हें पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। ये हम उनके इस फैसले को अच्छा समझते हैं और इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। ये ज़रूर है कि देर आए दुरुस्त आए, जैसा उन्होंने बयान दिए हैं सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर इस बात का एहसास होने लगा कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की कितनी बेइज्जती की जा रही है। BJP ने अच्छा कदम उठाया। मुराद
औरंगाबाद से। उस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं शाहरुख। किस तरह के जो बयान है वो सामने आए हैं और सपा नेता जो है उन्होंने भाजपा का आभार जताया है और नाग नागिन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के लिए, क्या कुछ और अपडेट है इस खबर पर आपके पास? देखिए आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के नेता नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल द्वारा मोहम्मद साहब को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय में काफी आक्रोश था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी से निष्कासित कर दिया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद से सांसद डॉक्टर एस टी हसन ने बीजेपी का शुक्रिया अदा किया है। जी तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद शाहरुख। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की महत्वाकांक्षी रोपवे परियोजना को लेकर गाजियाबाद के वैशाली वसुंधरा इलाके में लोगों और कई सोसाइटी के लोगों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान जीडीए की रोपवे परियोजना के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि ये परियोजना महज पैसों की बर्बादी है और इस इलाके में रोजाना 50,000 से ज्यादा लोग दिल्ली और नोएडा जाते हैं। उनकी मांग है कि रोपवे परियोजना की जगह इलाके में मेट्रो योजना का विस्तार किया जाना चाहिए। और मैं यहाँ वसुंधरा में रहता हूँ और काफ़ी लंबे समय से वसुंधरा के अंदर अनेक सामाजिक मुद्दों को लगातार हम उठा रहे हैं। जो धरना दिया जा रहा है तो क्या कुछ वजह है, इसके पीछे मेट्रो विस्तार का विरोध क्यों किया है? ये जो यहाँ पर अनशन भूख हड़ताल और प्रदर्शन और धरना यहाँ पर दिया जा रहा है, इसका मकसद है वैशाली मेट्रो स्टेशन को मोहन नगर मेट्रो स्टेशन से जुड़वाना और नोएडा मेट्रो स्टेशन को मोहन नगर तक जुड़वाना और वसुंधरा और साहिबाबाद में एक नए मेट्रो स्टेशन का निर्माण कराना, जिससे लगभग 30 से 40 लाख की जो आबादी है जो इस समय ऑटो से मोहन नगर वैशाली के बीच में जा रही है उसको फायदा हो। इस खबर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता प्रवीण मिश्रा गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, किन कारणों की वजह से इस रोपवे का विरोध किया जा रहा है वहां के स्थानीयों द्वारा? देखिए त्रिशला, आपको बता दूं कि यहां पर खास तौर पर कि गाजियाबाद के अंदर में मोहन नगर और वैशाली बात की जाए, अगर जो दिल्ली से मेट्रो आ रही है तो लास्ट वैशाली तक आ रही है, वैशाली के आगे फिर मोहन नगर है जो रूट अलग डाइवर्ट हो गया है, तो कहीं ना कहीं बीच का जो दायरा रह गया है जैसे कि वो वसुंधरा है, इंदिरापुरम है, ऐसे कुछ क्षेत्र रह गए हैं जहां पर मेट्रो अभी नहीं पहुंच पा रही है। तो वहां के जो निवासी हैं, आरडब्ल्यू का साफ तौर पे कहना है कि यहां पर पहले जो जगह बची हुई है वहां तक मेट्रो लाई जाए, कम खर्चे पे मेट्रो आएगी। तो कहीं ना कहीं जो वहां के जीडीए हैं, अधिकारी जो हैं, वो लोग चाहते हैं कि रोपवे लाया जाए, रोपवे का प्रयोग किया जाए कि रोपवे के जरिए लोगों को मेट्रो तक लाने का काम किया जाए। जी। लेकिन प्रवीण, रोपवे के जरिए भी तो एक अच्छा विकास, एक अच्छा विस्तार मिलेगा और जो मोहन नगर से वैशाली को जोड़ने की बात की जा रही है मेट्रो स्टेशन को, इसको लेकर अब क्या उच्च अधिकारी से बात की गई या फिर जीडीए के किसी अधिकारी से कोई बातचीत हुई, आगे ज्ञापन सौंपा गया किसी को? देखिए एक दिन का इन्होंने हड़ताल रखा था, एक दिन के लिए भूख हड़ताल पे रहे ये लोग, जितने भी पूरे वहां के निवासी है, क्षेत्रवासी है और आरडब्ल्यू सहित छोटे छोटे बच्चे भी भूख हड़ताल पे बैठे थे। कहीं ना कहीं जो लोगों का ऑफिस जाने का जो सिलसिला है वो मेट्रो का खासतौर पे अब एक साधन बन चुका है, तो मेट्रो थोड़ी रफ्तार पकड़ती है और कई कम मेट्रो स्टेशन पे रुककर वो जल्द से जल्द वो अपने स्थान तक पहुंचाती है लोगों को। तो कहीं ना कहीं मेट्रो का सुझाव वहां के निवासी और वहां के क्षेत्रवासी दे रहे हैं, तो उनसे बात भी की गई है, जीडीए के अधिकारियों से बात की गई है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने उनको ज्ञापन भी सौंपा है। लेकिन वहां के जो क्षेत्रवासी हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर आप मेट्रो लेके आ रहे हैं तो मेट्रो में जो लागत है वो थोड़ा मुझे लगता है कहीं ना कहीं 3 गुना ज्यादा बढ़ेगी और जो रोपवे आ रही है उसकी 3 गुना से एक अलग मतलब कम खर्चे में रोपवे तैयार करके दे देंगे, जिससे कि लोग मेट्रो तक पहुंच सकें और मेट्रो से अपना सफर तय करके अपने ऑफिस तक जा सकें। और बात की जाए अगर जिस तरह से जो रोपवे है, रोपवे हमेशा कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज है कि जो पहाड़ों पर जैसे तीर्थ स्थल पे जाना है उसका प्रयोग किया जाता है, अगर हम बात की जाए वाराणसी में तो वाराणसी में भी चालू की गई रोपवे कई जगह पर, तो ये कम खर्चे में रोपवे चालू हो जाती है। तो खासतौर पे जीडीए का खासतौर पे ये कहना है कि जो कम खर्चे में काम होता है हम उस काम को करेंगे। वहीं निवासियों का खासतौर पे कहना है कि मेट्रो जो बची खुचा जो एरिया बचा है जैसे इंदिरापुरम वैशाली और वसुंधरा, इसके बीच में जो मेट्रो का दायरा रह गया है उसको जोड़ा कनेक्ट किया जाए, जिससे कि लोग
मेट्रो से अपने ऑफिस जा सके और अपना सफर तय कर सके कहीं भी उनको जिनको जाना है। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण, क्योंकि मेट्रो जो मेट्रो सिटीज है, हाईटेक सिटीज है, कहीं ना कहीं कन्वीनियंट है, क्योंकि यहाँ पे जॉब क्लास लोग ज्यादा है और मेट्रो समय को तो बचाता ही है, साथ साथ किराए में भी कमी होती है, तो जो नॉर्मल जॉब क्लास लोग है उनके लिए कन्वीनियंट रहता है। इस पर कुछ अभी जवाब आया जीडीए की तरफ से प्रदर्शन को लेकर, किसी अधिकारी ने कोई बात कही इस पर या फिर उस पर विचार करने की, विमर्श करने की कोई बात कही गई अधिकारी द्वारा? देखिए त्रिशला, बता दूं आपको, जीडीए के जो अधिकारी हैं उनका खास तौर पे कहना है जो कम खर्च में हमारा काम हो जाएगा हम उसको करेंगे, हम ना कि उस खर्चे को करेंगे जो मेट्रो को जोड़कर आगे भी मेट्रो कनेक्ट की जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, दायरा ज्यादा बड़ा नहीं है, दायरा कम से कम 5.5 किलोमीटर का दायरा है जो सभी को कनेक्ट कर देता है। बात की जाए मोहन नगर की, तो मोहन नगर भी अगर वसुंधरा से जोड़ा जाए तो 2.5-3 किलोमीटर का दायरा है। अगर बात की जाए वसुंधरा से वैशाली की, तो उसका भी 2.5-3 किलोमीटर का दायरा है। तो इसको लेकर खासतौर पे वहां के निवासी हैं जो कह रहे हैं कि रोप वे अगर यहाँ से स्टार्ट होती है तो कहीं ना कहीं कम यात्री जाएंगे, जैसे 4 लोगों की सीट होती है तो 4 लोग वहां से कनेक्ट होकर जाएंगे और कम, मतलब उसकी स्पीड भी कम होती है। और बात की जाए अगर मेट्रो की, तो मेट्रो की गति जो है काफी अच्छी होती है जिससे कि वो अपने समय पर लोगों को उसके स्थान तक पहुंचा सके। तो इस पर भी लोगों का खासतौर पर जोर है कि ये मेट्रो को कनेक्टिविटी जोड़ी जाए। जीडीए जिसमें की पैसा बचा रहा है और अपनी जो रोपवे की जो उनका प्रोजेक्ट है उसको सोच रहा है कि लाने की, इस पर इसलिए विरोध किया जा रहा है, लोगों ने इसलिए एक दिन का भूख हड़ताल किया है और बोला भी है कि अगर आगे जीडीए नहीं भी सुनता है तो कहीं ना कहीं ये हड़ताल जो है ये लंबी खिंचेगी और काफी समय तक इसको आगे तक लेके जाएंगे। जी जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद प्रवीण।